रूस यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी पुतिन के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। ये तस्वीर साल 2001 की है, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुर्सी पर बैठे थे। मीटिंग चल रही थी और पीछे खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दो दशक पहले की ये तस्वीर ऐतिहासिक है। उस समय व्लादिमीर पुतिन को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि एक दिन जो उनके पीछे खड़ा है वो दुनिया के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरेगा। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच अच्छी केमिस्ट्री है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। यूक्रेन पर हमले के कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाया था। उन्होंने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के अलग अलग शहरों से सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा की थी। भारत ने यूक्रेन संकट के बीच अपने देश के लोगों को वापस लाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद पीएम मोदी से बात की और रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील की। यूक्रेन के राजदूत ने भी भारत के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए पीएम मोदी से मदद की अपील की। आपको बता दें कि अपने हितों को सबसे ऊपर रख भारत इस संकट के समाधान का प्रयास भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर आए प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत भले ही दूर रहा, लेकिन वो लगातार शांति और बातचीत के जरिए संकट का समाधान निकालने पर जोर दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हो या उनके मंत्री, सभी पीएम मोदी से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हमला रोकने के लिए कहें। आपको बता दें कि 2001 की वो मुलाकात पीएम मोदी कभी नहीं भूले। 2019 में जब पीएम मोदी मॉस्को गए तो उन्होंने चार तस्वीरें ट्वीट की